हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में जानेंगे, अचानक से अगर किसी की धड़कन तेज हो जाए तो उसे कैसे ठीक करें। अचानक से धड़कन तेज होने के रीजन हम पहली वीडियो में समझ चुके हैं, लेकिन इसे अचानक से जब धड़कन तेज हो रही है तो वहीं पर इसे कैसे ठीक करें और कैसे ये ठीक हो सकता है इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। और बहुत ही बड़ा लॉजिक है कि आपको घर पर रह करके विद इन 5 मिनट्स के अंदर अंदर आप इसे ठीक कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की किसी भी प्रकार के मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस टेक्निक को, इस लॉजिक को समझना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, और हो सके तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कमेंट करके वीडियो आपके कितने हेल्पफुल था, और हो सके तो शेयर ज़रूर करना। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो घबराहट बेचैनी होती है इसके पीछे लॉजिक क्या होता है। और ये अचानक से जब हमें घबराहट बेचैनी होती है अचानक से, उसी टाइम पर पसीना पसीना हमारा शरीर हो जाता है, धड़कन तेज हो जाती है हृदय की, और बहुत ज़्यादा बेचैनी, घबराहट, स्ट्रेस, फियर, इस टाइप की समस्या देखने को मिल जाती है। हमें फील होने लगता है, कई बार जब हम रात में सोते हैं तो हमें फील होने लगता है कि हमारी धड़कन जो है बहुत ज़ोर से, बहुत आवाज़ उसकी आ रही है, और कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये जो धड़कन हमें सुनाई दे रही है कहीं उसकी वजह से या कोई बीमारी की वजह से तो ऐसा नहीं है। तो आप इसे घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं और विदाउट मेडिसिन के, आपको किसी भी प्रकार की मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो धड़कन तेज होने के पीछे क्या लॉजिक है इसे समझना ज़रूरी है। हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे पूरे शरीर के अंदर, ऐसे समझिएगा कि दो नर्वस सिस्टम होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल के तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिस्टम बहुत बड़ा है लेकिन जो मेन है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें दो होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक, दूसरा होता है पैरासिंपैथेटिक। अब ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है, ये जब भी हमारे शरीर में बढ़ेगा, ये हमारे शरीर में इसकी जब भी क्रिया होगी, जब भी ये बहुत ज़्यादा हाइपर होगा, तो ऐसी सिचुएशन में ये क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेस केमिकल्स हैं, जो ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उन्हें रिलीज करवाता है। जैसे कॉर्टिसोल है, तो ये कॉर्टिसोल क्या करता है, हमारे शरीर में जब भी रिलीज होगा तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था उसे हाइपर एक्टिवेट कर देगा। अब जब हाइपर एक्टिवेट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा तो उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम आने वाली है, उसकी वजह से जो समस्याएँ हमें आएंगी, उसकी वजह से जो दिक्कतें हमें आएंगी वो क्या क्या हो सकती हैं। जैसे शरीर में एनर्जी का लो फील होना, यानी हमें लगेगा कि शरीर में एनर्जी है ही नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी का कंजप्शन बढ़ा देता है। जब एनर्जी का कंजप्शन बढ़ जाएगा तो शरीर में एनर्जी बिल्कुल लो हो जाएगी और हमें महसूस होगा कि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो रही है, शरीर के अंदर कुछ है ही नहीं है, ऐसा हमें फीलिंग हो सकता है अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा हाइपर होगा और ये एनर्जी का ओवर कंजप्शन कर देता है। इसके साथ में जब ये हाइपर एक्टिवेट होता है तो हमें ओवरथिंकिंग होती है। ओवरथिंकिंग आपने देखा होगा, काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे मरीज होते हैं जो ओवरथिंकिंग वाले होते हैं। ओवरथिंकिंग यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो सोचते रहेंगे। अगर वो कुछ काम दूसरा कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, लेकिन बाइक चलाते समय वो सोच रहे हैं पता नहीं कहाँ की, तो ये ओवरथिंकिंग होती है। कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कुछ दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन वहाँ पर भी इतना ओवर सोच रहे हैं, इतना ओवर ज़्यादा उल्टा सीधा दिमाग की एनर्जी खर्च कर रहे हैं बॉडी की कि पता ही नहीं है। तो ओवरथिंकिंग ये हाई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है, यानी कि अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हाइपर हो जाए, अगर हाई एक्टिविटी हो जाए इसकी, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद हमें सुस्ती सी महसूस हो सकती है, हमारा मोटिवेशनल जो होता है वो कम हो जाता है, किसी काम को करने के लिए हमारी जो इच्छा होती है वो कम हो जाती है, हमारे जो शरीर की क्रियाएँ होती हैं जैसे हार्ट की रेट है, ब्रीदिंग है, या फियर है, आँखों का बड़ा होना, ये समस्या जो होती है, घबराहट, बेचैनी होना, ये समस्या जो होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ा देता है। तो जब भी हमें घबराहट होती है, धड़कन तेज होती है, बेचैनी होती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है। अब यहाँ पर आपने लॉजिक समझा कि जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम था उसमें दो होते हैं, एक सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक का काम क्या था, जब भी ये हाइपर एक्टिवेट होगा तो आपके दिल की धड़कन तेज हो सकती है, आपको घबराहट, बेचैनी जो है हो सकती है, बढ़ सकती है। अब इसे नॉर्मल करने के लिए पैरासिंपैथेटिक की ज़रूरत पड़ेगी। अब पैरासिंपैथेटिक को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि पैरासिंपैथेटिक को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो दोनों पहलू हैं। देखिए, जब तक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम
कम नहीं होगा तब तक जो हमारे कॉर्टिसोल है या जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स हैं वो कम नहीं होंगे, और जब तक आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, जब तक आपके जो अच्छे हॉर्मोन्स हैं, जो खुशी वाले हॉर्मोन्स हैं, वो नहीं बढ़ेंगे जिससे कि आपकी ये क्रियाएं बैलेंस में आ सके। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये हमारी एनर्जी को लॉस होने से बचाता है, ये एनर्जी को रिस्टोर करता है। जब एनर्जी रिस्टोर होगी तो हमें क्या लगेगा, एनर्जेटिक फील होंगे, हमें लगेगा कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सुपर एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है, जिससे हमें आलस दूर होगा। हमारे जो काम करने के कोई काम है, जैसे हमको काम करना है और उसका मन नहीं हो रहा है, तो वो बढ़ेगा, काम करने की इच्छा जागेगी, कोई भी काम हो, एक्स वाई जेड। कभी भी क्या होता है कि ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये एक्टिवेट होगा तो हमारा काम करने की इच्छा कम हो जाती है, लेकिन जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हमारे काम करने की इच्छा ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि जो हमारे अंदर शरीर के अंदर एनर्जी की मात्रा थी वो बूस्ट हो रही है, वो बढ़ रही है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। तो ये क्या होता है कि जब भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो ये सारी चीज़ें जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाली थी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब कुछ लोग कह रहे थे कि एक आम आदमी नहीं जानता सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो मैं आपको यही क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऐसे समझिए गाड़ी के दो पहिए हैं, और गाड़ी जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, जैसे गाड़ी के अंदर जो चीज़ है इंजन है, तो इंजन को क्या जो एक राउंड बन रहा है वो इंजन से बन रहा है और जाके पीछे टायर में लग रहा है, पिछले वाला जो टायर है वो आगे वाले टायर को चला रहा है। तो ऐसे ही क्या सिस्टम होता है, जब जितनी ज़्यादा हम एक्सीलेटर खींचेंगे तो पिछले वाला टायर उतना ही ज़्यादा भागेगा, उतना ही ज़्यादा दौड़ेगा, इंजन उतना ही ज़्यादा दौड़ेगा। इसी तरीके से जो जैसे हम ब्रेक लगाते जाएंगे तो पिछले वाला टायर वैसे ही धीरे 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 रुकता चला जाएगा। तो ऐसे ही ये दो जो सिस्टम है, एक चलेगा एक कम होगा, एक बढ़ेगा एक कम होगा, या दूसरा बढ़ेगा तो ये पहले वाला कम होगा, ये एक सिस्टम होता है जो कि सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जरिए होता है। आई होप कि ये सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक का जो आपको समझ में नहीं आ रहा था, जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा था, वो समझ में आ गया। अब पैरासिंपैथेटिक को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए आपको करनी होगी डीप ब्रीदिंग। जब भी आपको लगता है मुझे घबराहट बेचैनी हो रही है, या मुझे मेरी जो धड़कन है वो तेज हो रही है, या फिर आपको कोई और प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको उसी टाइम पर डीप ब्रीदिंग करनी है। अब डीप ब्रीदिंग से क्या होगा, देखिए डीप ब्रीदिंग से होने वाला ये है कि इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा साइंस है। क्या होता है, हमारे लंग्स के अंदर, हमारे फेफड़ों के चारों तरफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये अगर दबेंगे, मतलब कि जब हम लंबी सांस खींचते, गहरी सांस खींचते हैं, तो हमारे लंग्स जो अच्छे तरीके से फूल पाएंगे, एक्सपेंड हो पाएंगे, जिसकी वजह से जो चारों तरफ स्ट्रेच जो रिसेप्टर्स हैं वो दबेंगे, प्रेशराइज्ड होंगे। उनके प्रेशराइज्ड होने से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कम होती है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो जो पैरासिम्पैथेटिक हमें बढ़ाना है, क्योंकि हमें स्ट्रेस हार्मोन्स कम करना है, कोर्टिसोल कम करना है, या अदर जो हमें धड़कन तेज हो रही थी, बढ़ रही थी, या बेचैनी घबराहट हो रही थी, उसे कम करना है, तो हमें पैरासिम्पैथेटिक को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको एक्टिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे कैसे एक्टिवेट करेंगे, डीप ब्रीदिंग कीजिएगा। डीप ब्रीदिंग जैसे जैसे हम करेंगे, और डीप ब्रीदिंग हमने की उसकी वजह से जितने इम्पल्स दबेंगे, जितनी देर दबे रहेंगे, वो उतना ही पैरासिम्पैथेटिक की हाइपर एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। अब इतना भी ज़्यादा नहीं बढ़ाना है कि प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे। आप देखेंगे 5 मिनट के अंदर आपकी समस्या ठीक हो जाएगी, आपको कहीं भी जाने की भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डीप ब्रीदिंग कीजिए, जैसे गहरी सांस खींची, अब जिसे इस सांस को जितना आप रोक सकते हैं, जैसे कि किसी की कैपेसिटी 1 मिनट है, किसी की कैपेसिटी 2 मिनट है, किसी की कैपेसिटी केवल 40 सेकंड है, तो आप डीप ब्रीदिंग करके उसे रोक के रखिए और धीरे 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 उसे छोड़िएगा, जिससे वो प्रेशराइज्ड होंगे स्ट्रेस रिसेप्टर्स, और रिसेप्टर्स जो हैं उनके प्रेशराइज्ड होने से आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ेगा, जिससे आप फुली एनर्जेटिक फील करेंगे, फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो बॉडी के अंदर कम होंगे, स्ट्रेस एंजाइटी फियर जो घबराहट सारी के सारे नॉर्मल हो जाएंगी, कम हो जाएंगे, और आप आसानी से घर पर
ठीक हो सकते हैं। इसकी वजह से काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे नेचुरली डीप ब्रीदिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। दोस्तों ये वीडियो जो आप सभी के लिए मैं बना रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। और डीप ब्रीदिंग को आप कितने बार कर सकते हैं पूरे दिन में, इसे आप 10 से 15 मिनट तक या 10 से 20 मिनट तक डेली आप इसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं सुबह और शाम में, जिससे आपको बहुत ही सुपर बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। आई होप कि वीडियो आप सभी को उम्मीद है कि वीडियो सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरीके से नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।